सो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल राम राम, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K2K मोटो व्लॉग्स। तो भैया MT15 का जितने भी लोग वेट कर रहे थे सबके अरमानों पे पानी फिर गया होगा, क्योंकि यार MT15 से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये बाइक इंडिया के अंदर 150cc में सबसे प्रीमियम बाइक होगी। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि लोग इस बाइक को देख के काफी नाराज हैं और लोग यामाहा से काफी निराश हैं कि उन्होंने ये क्या बाइक लॉन्च करी है, क्या तो बाइक का प्राइस है और बाइक में ड्यूअल चैनल ABS भी नहीं है। तो हर कोई बस यही कह रहा है कि यामाहा ये तूने क्या किया। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा यामाहा MT15 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार बात करते हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के प्रोज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है बाइक का यूनिक डिजाइन एंड स्टाइल। MT15 की सबसे बड़ी USP तो इसका स्टाइल ही है, क्योंकि इस बाइक का जो टेल सेक्शन है वो भी काफी अच्छा है और इस बाइक का फ्रंट सेक्शन भी काफी अच्छा है। इस बाइक के लुक्स बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही यूनिक स्टाइल है इस बाइक का। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही शानदार है इस बाइक के और इस बाइक की साइड प्रोफाइल भी MT सीरीज से इंस्पायर्ड है। ओवरऑल अगर इस बाइक के लुक्स एंड स्टाइल की बात करें तो बाइक दिखने में बहुत ही अच्छी है। लुक्स के मामले में तो यार नो डाउट ये बाइक 150cc में सबसे बढ़िया लुक वाली बाइक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट है बाई फंक्शनल LED हेडलाइट। इस बाइक की LED हेडलाइट काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प है विद 2 डे टाइम रनिंग लाइट्स। इस बाइक में जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो ड्यूअल पर्पस है, उसको लो बीम के लिए भी यूज कर सकते हैं और हाई बीम के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इस बाइक के अंदर जो 2 डे टाइम रनिंग LED हेडलाइट्स हैं वो भी काफी अच्छी हैं। इस बाइक की LED हेडलाइट का डिजाइन काफी यूनिक है, क्योंकि ये MT सीरीज से ही लिया गया है। तो यार इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बाइक का फ्रंट सेक्शन भी काफी अच्छा है क्योंकि बाइक की LED हेडलाइट्स बहुत ही अच्छी हैं। थर्ड पॉइंट है बाइक का पावरफुल इंजन। इस बाइक में 155cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो कि सेम R15 V3 वाला इंजन है। लेकिन इस बाइक के इंजन को इस तरीके से ट्यून किया गया है ताकि उससे बेटर टॉर्क मिल सके, और इसकी वजह से इस बाइक की टॉप स्पीड थोड़ी सी कम होगी R15 V3 से। और अगर पावर की बात करें तो यार इस बाइक की मैक्सिमम पावर है 19.3 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क है 14.7 Nm। इस बाइक की पावर की आउटपुट काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस बाइक का वेट सिर्फ 138 kg है, जिसकी वजह से इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा है। तो यार थर्ड पॉइंट में भी नो डाउट कि बाइक की पावर और टॉर्क बहुत ही अच्छा है, 155cc के अंदर मोस्ट पावरफुल बाइक है। फोर्थ पॉइंट है VVA टेक एंड स्लीपर क्लच। वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन की वजह से इस बाइक में लीनियर पावर मिलती है। हायर RPM पे भी जाने के बाद इस बाइक के अंदर आपको लीनियर पावर मिलेगी। इसका मतलब है कि हायर RPM पे भी इस बाइक में मैक्सिमम पावर मिलती है। वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन की वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और इस बाइक की माइलेज भी काफी बढ़िया है। VVA के साथ इस बाइक में असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है, जिसकी जैसे अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ रहता है। और यार फिफ्थ पॉइंट है इस बाइक का इंफॉर्मेटिव कंसोल। इस बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो R15 V3 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में होती हैं। इस बाइक में नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर, VVA इंडिकेटर, माइलेज डिस्प्ले और USB चार्जिंग ऑप्शन भी इस बाइक में काफी बेनिफिशियल है। तो यार ये तो सारी बातें हो गई इस बाइक के प्रोज के बारे में। अब बात करते हैं इस बाइक के कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है ओवर प्राइज्ड। यामाहा ने इस बाइक को जिस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च किया है वो थोड़ा सा हाई है। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1.36 लाख। इंटरनेशनल वेरियंट के अंदर काफी प्रीमियम कम्पोनेंट है, लेकिन इंडियन वेरियंट के अंदर प्रीमियम कम्पोनेंट्स नहीं है। तो यार सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बाइक के अंदर प्रीमियम कंपोनेंट्स नहीं है तो इस बाइक का प्राइस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यामाहा ने इस बाइक का प्राइस काफी हाई रखा, तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये बाइक कम्पीट कर पाएगी या नहीं ये हमें कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा। सेकंड पॉइंट है सिंगल चैनल ABS। सो गाइस, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बाइक में सिंगल चैनल ABS आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यामाहा R15 V3 के अंदर ड्यूअल चैनल ABS दे चुका था और MT15 R15 V3 का नेकेड स्ट्रीट फाइटर वर्जन है। तो ऑब्वियसली यार इस बाइक में ड्यूअल चैनल ABS भी होना चाहिए था, लेकिन यामाहा ने इस बाइक में सिंगल चैनल ABS दिया है और सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से इस बाइक की सेल्स बहुत कम रहेंगी। और थर्ड पॉइंट है लिमिटेड शेड्स विद प्लेन ब्लैक व्हील्स। इंडिया के अंदर MT15 के हमें दो ही शेड्स देखने को मिलेंगी, फर्स्ट है मेटालिक ब्लैक और सेकंड है डार्क मैट ब्लू। लेकिन यार इस बाइक का जो इंटरनेशनल वेरियंट है उसमें और भी काफी सारे कलर्स हैं, और इंटरनेशनल वेरियंट में अलॉय व्हील्स के भी काफी अलग अलग कलर हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हमें सिर्फ प्लेन ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है USD फोक्स। MT15 का जो इंटरनेशनल वेरियंट है उसके अंदर USD फोक्स हैं, लेकिन यामाहा ने इस बाइक में USD फोक्स नहीं दिए। इस बाइक के अंदर 41mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं। तो यार यामाहा ने इस बाइक में से USD फोक्स को रिमूव किया था, ये हमें काफी टाइम पहले ही पता चल गया था। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बाइक में USD फोक्स नहीं है तो इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन फिर भी इस बाइक का प्राइस कम नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट है एल्यूमिनियम स्विंग आर्म।
इस बाइक का जो इंटरनेशनल वेरिएंट है उसके अंदर एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है और R15 V3 के अंदर भी एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है जो कि MT15 के अंदर मिसिंग है। तो यार इंडियन वेरिएंट के अंदर ना तो ड्यूअल चैनल ABS है, ना ही उसमें एल्यूमिनियम की स्विंग आर्म है, ना ही उसमें USD फोक्स है, लेकिन फिर भी इस बाइक का प्राइस इतना हाई है। तो यार ये सही में यामाहा की तरफ से काफी सैड न्यूज है, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि इस बाइक की अब सेल्स कैसी रहती हैं। सो गाइस अगर आप लोगों की प्लानिंग थी MT15 को परचेज करने की, तो यार इस प्राइस सेगमेंट के अंदर और भी काफी सारी बाइक्स हैं, जैसे कि यामाहा की FZ25, उस बाइक में 250cc का इंजन है और ड्यूअल चैनल ABS भी है। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप KTM ड्यूक 125 भी परचेज कर सकते हो। सो गाइस ये थी सारी बातें यामाहा MT15 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो गाइस कीप वॉचिंग वीडियोस ऑन K2K मोटो व्लॉग्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।